गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर लेक्चर नंबर 10 वीडियो। इन द प्रीवियस क्लासेस वी ऑल हैव स्टडीड अबाउट द वर्ल्ड एंड इट्स द चैप्टर नेम इज द वर्ल्ड एंड इट्स ओशंस। वी ऑल हैड स्टडीड अबाउट द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। And in the previous classes, I had given you the homework of quick recap. I hope you all have remembered this. And let's match the following answer to your answer sheets. First is tick the right option MCQ. A large and major mass of landform is called a एक बड़े और जमीन के टुकड़े को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स। देयर आर डैश कॉन्टिनेंट। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। द वर्ल्ड्स हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज इन एशिया। वर्ल्ड का सबसे हाइएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट जो है, पर्वत की चोटी, वो कहाँ पे है? एशिया में। द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। हाउ मेनी ओशंस आर देयर इन द वर्ल्ड? 5। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाई लैंड एंड वाटर। ईच ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स इज डिवाइडेड बाई लार्ज एक्सपेंसेज ऑफ वाटर कॉल्ड ओशंस। जो जो कॉन्टिनेंट्स बहुत सारे पानी के टुकड़े से डिवाइडेड है, वो पानी के टुकड़े को हम क्या कहते हैं? महासागर या सागर। एशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। एशिया संसार का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप है। माउंट कॉसियस जी को इज द हाइस्ट पीक इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे पर्वत, सबसे लंबा पर्वत की चोटी कौन सी है? माउंट कॉसियस जी को। माउंट एवरेस्ट क्या है? एशिया में है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है। कॉन्टिनेंट यूरोप में है। डीपेस्ट ओशन पैसिफिक है। अब चलो आंसर आंसर लिखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज? तो इसका आंसर यहाँ पे है। यहाँ पे आप लोग यहाँ से आंसर इसका लिख लोगे। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा द लैंड फॉर्म्स इंक्लूड कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, आइसलैंड एक्सेट्रा। वेयर एज द वाटर बॉडीज इंक्लूड ओशंस, सीज, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। वाटर बॉडीज में क्या क्या आता है? सागर, महासागर, समुद्र, नदी, झील एक्सेट्रा। द सेकेंड, व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स नेम देम? इसका आंसर मैंने यहीं पे लिखा हुआ है। लार्ज एंड मेजर मासेस ऑफ द लैंड फॉर्म्स आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। दीज आर एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और लास्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया। ये आपका सेकेंड का आंसर है। थर्ड, वाई इज एशिया नोन एज द लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट? एशिया को लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हमने यहाँ लिखा है। स्पेस नहीं था इसलिए मैंने बुक में ही डाल दिया है। यहाँ है, यहाँ इट के बदले आप क्या लिखोगे? एशिया। एशिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट बिकॉज ऑफ इट्स फिजियोग्राफिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। एशिया को लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पास प्राकृतिक भूगोलिक विधि और उसके सांस्कृतिक विविधता के लिए, क्योंकि एशिया में बहुत सारे कंट्री है तो सबकी अलग अलग पहचान है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग हर एक चीज़ है, इसलिए एशिया को हम लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट के नाम से जानते हैं। एंड द लास्ट वन इज एक्सप्लेन अबाउट द पैसिफिक ओशन इन डिटेल। पैसिफिक ओशन के बारे में डिटेल में बताना है। वैसे तो ये बहुत बड़ा हो सकता था लेकिन मैंने छोटा अभी करके लिखा है तो आप लोग अभी इतना ही याद करना। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। पैसिफिक प्रशांत महासागर सबसे लंबा और सबसे गहरा महासागर है संसार का। इट इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। ये शेप में कैसा है? सर्कुलर। तो ये आज का आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप ये सब नोट डाउन कर लो और याद कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करें।